अस्सलाम तो नाजरीन, जैसा कि आपने देखा हम यहाँ पे पहलवान मिल्क शॉप पे आए हैं और हमने इनसे इनकी फीडबैक ली और इनसे पूछा कि दूध के जो रेट्स बढ़ गए हैं, काफ़ी हद तक बढ़ गए हैं, तो ये इनका क्या कहना है दोबारा बताइएगा। ये तो सर तकरीबन जितनी भी मिल्क शॉपें हैं जी वहाँ पर तकरीबन ये बढ़े हैं। अच्छा, हमने नहीं बढ़ाए, पीछे से ही बढ़े हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई पेट्रोल महंगा है, तो इस वजह से जैसे बड़े वाले कह रहे हैं कि जो कलर हमारा 20,000 में वहाँ से जैसे भूसे का आता था जी, तकरीबन 30,000 का वहाँ से आया है। हाँ, भूसे का जो है, इस वजह से उन्होंने भी मजबूरी में बढ़ाए। अच्छा, तो अगर ये अभी ये हुकूमत बोल रही है कि पैसे और बढ़ेंगे पेट्रोल पे, यहाँ पे एक और मौजूद है, यार आप थोड़ा सा बताएंगे पेट्रोल पे। अपने आप को नहीं बता सकते तो पेट्रोल का क्या बताएंगे सर। अभी तो आप तो अभी इस वक्त दूध लेने आए हैं ना अभी आप, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ ये देंगे, ये भी 500 रुपए भी कम पड़ेंगे। अच्छा, इधर देखिए क्या बोल रहे हैं आप, क्या बोले सर, इतनी महंगाई है क्या कर सकते हैं, जीना मुहाल हो गया भाई, कुछ कह नहीं सकते जी। कर सकते हैं जैसे अगर गुमरान ने जैसे अभी बजट पेश करा है जी, उन्होंने तो अपने हिसाब से पेश करा, मगर ये है कि दुकानदार अपने हिसाब से बढ़ाए महंगाई के लिए, जैसे रोज रोज बढ़ती जा रही है महंगाई जी, कुछ कह नहीं सकते कि 170 से जैसे पेट्रोल का भी कुछ पता नहीं है जी, तो इस तरह और हर एक अशिया है जो रोजमर्रा के घरों में इस्तेमाल की जाती है उसका कुछ पता नहीं है, इसमें गरीब तबका निचला तबका पिस रहा है। अच्छा, कारोबारी और बिजनेसमैन और वो नहीं पिस रहे इसमें, वो दिख रहा है जो झाड़ीदार तबका है वो पिस रहा है, तो ये मजीद बढ़ेगा और इसमें ये गरीब क्या। चले जी, बहुत शुक्रिया आपका इंटरव्यू देने का, अल्लाह।